समय हासिल करता हूँ और नारायण जी के साथ मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपके कहीं सरपंच साहब मेरे भी 30-35 साल पुराने संबंध हैं और ये बात सही कह रहे हैं कि नारायण जी बहुत कड़क मिजाज के व्यक्ति थे और अपनी बात रखने में कभी संकोच नहीं किया करते थे। और आज दोनों धर्मपत्नी और नारायण जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आपकी सेवा का मौका मुझे भी मिला, स्वर्गीय कॉलेज साहब को भी मिला, उस इलाके से पुराने संबंध हमारे हैं और इन्हीं प्रकार के लोग थे जो उन संबंध गहरा करते थे और राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यक्तिगत किसान की गरीब की क्षेत्र की बात को हमेशा उन्होंने रखा और उनकी बात को हमेशा सुनकर आगे काम करने का भी जो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था उसकी कामयाबी हम लोगों को मिली। आज इतने सारे लोग उनको याद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार के, उनके बेटे भतीजे सब मिलकर उन्होंने जो काम किया था, किसानों की गरीबों की बात को उठाया था, उस बात को आपको उठा के रखना है। इस क्षेत्र में हमेशा सब लोगों को आशीर्वाद दिया, हम सबको भी बहुत हिम्मत और ताकत दी है। और आज मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि नारायण कोडिया जी के आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और हम सब मिलकर गरीब और किसान की बात को पहले की तरह दुगनी ताकत से आगे उठाते रहें। आप सब यहाँ पर पधारे उसका बहुत बहुत धन्यवाद।